अब सक्सेस को क्या कहा जाए, सक्सेस क्या पैसा पाना है? नहीं नहीं, नहीं। सक्सेस क्या फैन फॉलोइंग पाना है? नहीं नहीं, अगर आपके बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाहते, वो आपके अंदर रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहे, तो आप फेल हो गए। आप घर में अगर सूट लेके चला जाता हूँ ना, तो मेरे घर वाले कि तुझे गोली मार दी जाएगी अगर तू कपड़े नहीं। लाइफ मस्ती करने के लिए नहीं है, मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड हाफ। उस दिन एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी तो बेटा आसान होने वाली है। शुरुआत इतनी शानदार हुई है तो अंजाम क्या होगा। वो अटेंडेंस भी पूरा नहीं होता था, हमको फाइन लगता था रोल नंबर लेने का। हमारा मकान बोल भी था, मूवी में देखते थे स्टेज पे कैसा बोलते हैं, तो पैर कांपते थे मेरे जब पहली बार स्टेज पे गया। आपके आसपास वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपके इस जीवन की शिक्षा दी? मेरा फाइनली गोल ये है कि मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ। वेलकम टू शिक्षा .com, मैं हूँ दीपक सिंह आपके साथ। आज के इस स्पेशल वीडियो में इन शिक्षा सक्सेस स्टोरीज वी ब्रिंग टू अ स्टोरी ऑफ अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हु इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेरी फेमस एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, अ वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट, अ वेरी फेमस यूट्यूबर, अ वेरी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। The person is सोनू शर्मा। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा .com पर। बहुत शुक्रिया सर। सोनू जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा इस इंटरव्यू में, हम 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, चूंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको देखकर लोग अपने जीवन में चेंजेस बदलाव लाते हैं, और कहीं ना कहीं दिस सी अप टू यू एज द आइडल और द पर्सन जिनकी बातों को सुनकर समझकर वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही की बात करना चाहूंगा, आपकी पर्सनैलिटी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोग बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि सोनू शर्मा जो आज सोनू शर्मा है वो कैसे बने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने चैनल के ऊपर। जर्नी स्टार्ट हुई 1998 से, व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। और एवरेज स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं ना, कि बहुत एवरेज स्टूडेंट, कोई खास नहीं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और लेकिन जब मैं 98 में ग्रेजुएशन करके घर लौटा, तो वो इंसिडेंस ऐसा था जिसने लाइफ को एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि पुश दिया, कि लाइफ मस्ती करने के लिए नहीं है, मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। तो मैं जब घर पहुंचा तो मेरे फादर साहब को बोला कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, ये डिग्री है हमारी, अब आप उनको कुछ तोहफा दीजिए कि हम पास हो गए फाइनली, जो कि आपको लगता था कि नहीं होंगे। तो मेरे फादर ने बोला वेट फॉर अ मिनट, वो इवेंट टू द रूम, वो रूम से बाहर आए और उन्होंने मुझे पेपर दिया। तो वो पेपर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। माय गॉड, व्हिच ईयर? 98। ओके, तो आज से करीब 24-25 साल पहले मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो -3 लाख रुपए से किया है। तो उस दिन एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी तो बेटा आसान होने वाली नहीं है, शुरुआत इतनी शानदार हुई है तो अंजाम क्या होगा। तो वो जो मस्ती वाला ऑरा था वो अचानक धुल गया 1 सेकंड के अंदर। ओके, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपने कहा मस्ती वाला और वो जो समय था वो अचानक से धुल गया, उससे पहले के सोनू शर्मा कैसे थे, अगर थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए, क्योंकि मस्ती की आप बात करें, दैट मींस कि दैट पर्सन वाज अ वेरी डिफरेंट। बहुत आवारा थे, बहुत आवारा गलती करी हमने कॉलेज के अंदर, पढ़ाई के अलावा सब काम किए, डिटेल में नहीं बता सकता कि क्या क्या किया। पढ़ाई के अलावा सब काम किए, बहुत मस्ती करी, कोई ज्यादा लाइफ को लेकर सीरियस नहीं थे। हम ऐसा बोले कि पहले दिन से विजन क्लियर था कि ये करेंगे वो करेंगे तो झूठ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, हमारा जो अटेंडेंस होता था वो अटेंडेंस भी पूरा नहीं होता था, हमको फाइन लगता था रोल नंबर लेने के लिए। आपको जब तक रोल नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप अटेंडेंस पूरा नहीं करेंगे, और जो लोग बच्चे अटेंडेंस पूरा नहीं करते थे उनको फाइन लगाया था हमारे कॉलेज में कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरा तो वो हालत था कि हमको पैसा दे के रोल नंबर मिलता था अटेंडेंस पूरी कराने, अटेंडेंस पूरी कराने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सीरियस थे हम अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया, और सही मायने में 99 से लेकर आज 2022 हो गया है, फिर हमको लगा कि यार लाइफ सीरियस है, मतलब ये मस्ती मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। और एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी में जितने मजे करने थे मैंने वो मैंने कर लिए, नाउ इट्स अ रियल वर्ल्ड, अभी क्रूर दुनिया है जहां पर अगर सीरियस नहीं हुए तो ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसका एहसास पिताजी के उस 3 लाख के लोन ने दिलाया या फिर और कुछ भी था? नहीं, वो झटका तो लगा पहला, मतलब हमने तो
यू डोंट बिलीव कि हम तो मूवीज में देखते थे कि किसी का मकान मॉर्गेज है, हमारा मकान मॉर्गेज था, तो मूवी में देखते थे कि आपका मकान मॉर्गेज है और उसकी गिरवी है और उसकी बोली लग रही है, तो फिर आपका सामान निकाला जाएगा बाहर। तो हमको तो लगा यार तो हमारे साथ हो जाएगा अगर हमने पैसा नहीं चुकाया तो। तो जहाँ से लोन था हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे, कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे, मैं तो कमाता भी नहीं था तब। तो मतलब वो अचानक सब कुछ सामने बिखरता हुआ नजर आया कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ मेहनत करनी है, पैसा चुकाना है, ये गुडविल पे स्टेक नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए। फिर मेहनत किया धीरे धीरे धीरे, और जहाँ चाह वहाँ रहा। फिर ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर ने बड़ा सपोर्ट किया और आज यहाँ पर बैठे हैं। जानना चाहूंगा कि शिक्षा का कितना योगदान रहा, चूंकि आपने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, ये भी सोचा नहीं था कि क्या करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन क्या ये जो जर्नी थी ग्रेजुएशन की, जो जर्नी थी वो जो ग्रेजुएशन के 3 साल आपके रहे होंगे या उससे पहले के, मैं इंटर तक के सफर के बारे में पूछूं, आपको क्या लगता है कि आज जो सोनू शर्मा है जो दूसरों को सिखाते हैं, क्या उस समय का कुछ प्रयोग उस एजुकेशन का या फिर उस ज्ञान का प्रयोग करके आज वो बन पाए हैं जो सोनू शर्मा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल की नॉलेज, कॉलेज की नॉलेज और बाजार में जो चीजें लागू होती हैं बहुत अलग होती हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि स्कूल कॉलेज में जो 90% बातें पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ऑल्दो एजुकेशन बहुत जरूरी है, आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने जरूरी है, और एजुकेशन आपको डिसिप्लिन बना देती है। आप रोज उठते हैं, 8 बजे स्कूल जाते हैं, डिसिप्लिन होता है। अगर वो सब ना हो तो आप जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन का जिंदगी में क्या रोल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस एजुकेशन से कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी की जिंदगी में आ सकता है। ऑल्दो वो एक प्लेट है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपको कहीं कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप एजुकेटेड होते हैं, तो आपको पता है क्या बात कर रही है क्या नहीं बात कर रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप बाजार में करते हैं ना, तो बाजार की स्किल्स ऑल्टुगेदर डिफरेंट होती है। वो स्कूल की एजुकेशन बाजार में उस लेवल पे काम नहीं आती जैसा लोग सोचते हैं। ऑनलाइन और फिजिकली लोगों को कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं, सोनू शर्मा मिलते हैं, सोनू शर्मा को ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला? ऑल्दो मैं ज्यादा तो मैं सुनता नहीं था पहले, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया तो ज्यादा अपने को पता भी नहीं था कि क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग होती क्या है और इसको कैसा स्टेज पे कैसा बोलते हैं। हम तो पैर कांपते थे मेरे, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, किसी ने मुझे बोला कि आपको स्टेज पर सौ लोगों के आगे बात करना है, तो मैंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कैसे बोलूंगा। तो ऐसा कुछ था नहीं उस दौर में, तो हम ऐसा कोई हमारा मेंटोर नहीं था। ओके। लेकिन धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते रहे तो बहुत लोगों को सुना, फिर बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुए, उनकी तरह बनने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक दो नाम तो ऐसा नहीं है जहन में आते, लेकिन काफी सारे लोगों से। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद वो एक धक्का लगा, वो एक पता चला कि रियलिटी क्या है जीवन की, और घर मॉर्गेज था, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी, नाउ यू आर एट दी यू नो आई वुड से एट द पीक ऑफ अ करियर, कि जहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग गुरु भी हैं और आप एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप कॉरपोरेट एडवाइजर भी हैं, इस बीच में क्या हुआ, ये कैसे, मतलब ये जो सफर जब शुरू हुआ ग्रेजुएशन के बाद वो झटका लगा और आपने सक्सेस की कहानी आज हम देख रहे हैं, सोनू शर्मा जो अलग अलग 3-पीस सूट पहनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, तो उसके बीच में क्या हुआ ऐसा कि ये परिवर्तन हो पाया? I started my net marketing career in 2001. डे भी मुझे याद है, 5 फरवरी 2001 को मैं इस इंडस्ट्री में आया, और बहुत बदनाम इंडस्ट्री थी, आज भी है। लोग नेट मार्केटिंग को अच्छा नजर से नहीं देखते हैं। एक्चुअली कोई इंडस्ट्री ऐसी है ही नहीं जो बदनाम ना हो, ऐसा मतलब जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबोया है, बिल्डरों ने पैसा लोगों का लिया है, नाम तो नहीं ले सकता मैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेल में है, और बहुत सारे स्कूल हैं जो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, एजुकेशन के नाम पर बहुत धांधली होती है। मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो जिसमें खराब लोग ना हो, मतलब कोई दुनिया सबसे बड़ा फील्ड है धर्म, धर्म के बहुत सारे गुरु आपके अंदर पड़े हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर बुरे लोग ना हो, तो नेट मार्केटिंग भी उससे अछूती नहीं। लेकिन उसी फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं, उसी फील्ड में बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं। अब आपको चॉइस करना होता है कि आपने आपकी अपनी जो समझ है उससे आप चुनते हैं कि मैं सही जगह जाऊं या खराब जगह जाऊं। बहुत सारे स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते, इसका मतलब नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर रहे हैं, हम अच्छे स्कूल को चूज कर रहे हैं, राइट।
बहुत सारे बिल्डर हैं जो टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, फ्लैट लोगों की अटके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मकान लेना बंद कर देते हैं, हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे किसी ने बोला, यार तुम ये क्या कर रहे हो यार, ये कोई काम है करने का टाइप, ग्रेजुएशन कर लिए, कोई अच्छा काम करो, ये कौन से काम पड़ गए, तुम 10 जोड़ो, तुम 10 जोड़ो, हाँ हम बनेंगे, तुम बनाओगे, फिर वो बनाएंगे, फिर ऐसा ऐसा बनाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा एक पुरानी मेरी ये कहानी है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि बाजार के अंदर लोगों को उतना ही पता है जितना हमको पता है, और हर आदमी को सब कुछ पता हो ही नहीं सकता, और किसी को अगर सब कुछ पता होता तो वो बहुत अलग लेवल पे जाता है। क्योंकि अक्सर हम लोग सलाह मशवरा उन लोगों से करते हैं ऐसा जिंदगी में जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा हो। डोंट टेक माय वर्ड्स रॉन्ग, हमारे आसपास कौन लोग हैं, 99% तो अक्सर अनसक्सेसफुल लोगों की दुनिया है ना, तो आप उनसे ही सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो आप उनसे सलाह मशवरा करेंगे तो उनको जितना पता है उतना ही बताएंगे। तो मैंने ऐसा नहीं, ये गलती मैंने नहीं करी, मैं उन लोगों को सुना जो वाकई में इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। अब आपका फॉर एग्जाम्पल बेटा है, और अब आपका बच्चा 10th में पढ़ रहा है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसको उसका एग्जाम्पल उसको किसका एग्जाम्पल देंगे, वही ना जो क्लास में फर्स्ट आया, आप उसको बोलेंगे ना देख यार तेरे को उसकी तरह बनना है यार जो फर्स्ट आया, या आप उसको बोलेंगे यार तो 15 लड़के फेल हो गए यार तो उसकी तरह बन। लेकिन असल जिंदगी में जब हम आते हैं ना तो हम फेलियर की तरह देखना शुरू कर देते हैं, यार वो भी फेल हो गया, यार वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया इस काम में, तो तू भी हो जाएगा। लेकिन क्या सब फेल हुए? नहीं, हमें आप भी लोग हो रहे हैं, तो हमको कहाँ देखना है, हमको उन लोगों की तरफ देखना है यार जो कामयाब है। तो मैंने उन लोगों की तरफ देखा जो इस फील्ड में सक्सेसफुल है। okay. तो मेरे को लगा अगर फील्ड खराब है तो सारे फेल हो जाते हैं। फील्ड खराब नहीं है, लोगों के काम करने का तरीका खराब हो सकता है, नजरिया खराब हो सकता है। तो फिर सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखा, उनसे इंस्पायर हुए, फिर इस फील्ड में आए, फिर बहुत मेहनत करा इस फील्ड के अंदर, मालूम चला कि डार्क सेल्स भी इसको बोलते हैं, दुनिया में कैसे होती है, रिसर्च की, बुक्स पढ़ी बहुत सारी, मतलब 100 ऑफ बुक्स मैंने इस फील्ड के ऊपर पढ़ी। तो मुझे मालूम चल गया कि लोगों को नॉलेज कम है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। फिर 12-13 साल वो चलता रहा, फिर कॉर्पोरेट जिंदगी शुरू हो गई। कभी सोचा नहीं था हमने कि यार आज मेरे पास 150+ कॉर्पोरेट ऑफिस है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। आप हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेंगे तो उसमें से 8 out of 10 कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छे तो ये यात्रा आज से 7-8 साल पहले शुरू हुई कॉर्पोरेट की, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ। ओके, आपने बोला कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और कहीं ना कहीं ये आपको नॉलेज मिली, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज मिली, ये जो बुक्स की जो यात्रा थी, ये बुक्स पढ़ने की यात्रा, क्या ये आज भी चालू है और किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? हाँ आज भी चालू है मेरा, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है भगवान दंड दे रहा है, जो स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, जो हराम पूरी करी। डोंट टेक मी रॉन्ग, जब स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो भगवान ने कहा अब पढ़ो तुम, तुम्हारे लिए अब पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ आज भी मैं बुक रीडर हूँ, बहुत अच्छा खासा रीडर हूँ, किस जमाने के अंदर बहुत कम पढ़ता था, अभी तो मैं एक्सेसिव रीडिंग करता हूँ। आप विश्वास करें ना करें, मैं वीक के अंदर करीब करीब 2 बुक्स खत्म कर लेता हूँ। कभी कभी मूड करता है तो मैं एक ही दिन में एक बुक निपटा देता हूँ। आपने अभी बुक्स की बात करी, और अब चूंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन मीडियम की तरफ लोग जा चुके हैं, लॉकडाउन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और अ लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड हैपनिंग, अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस जो ऑफलाइन पढ़ाते थे वो भी ऑनलाइन मीडियम में आ गए। ऐसे में क्या बुक्स की इंपॉर्टेंस, फिजिकली वो जो पढ़ने का जो फील होता है, डू यू मिस दैट? और आपको मतलब इन अ जनरल पर्सपेक्टिव अगर पूछूं, अगर मैं दोनों में आपसे फर्क करने के पूछूं, व्हाट विल यू प्रेफर? नहीं, अगर आप पर्सनली मुझसे मेरा जी पर्सनल कॉन्शियस पूछे तो मुझे वो पढ़ के अंडरलाइन करना पेंसिल से, फिर उसके नोट्स बनाना ज्यादा पसंद है। कि मैं वो बुक लेता हूँ हाथ में तो मेरे हाथ में एक पेंसिल रहता है, क्योंकि 150-200 पेज का बुक है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब आपके काम का होगा, तो मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ और जो मेरे मतलब का है उसमें मैं निकाल के नोट्स बना लेता हूँ, तो उस बुक का एक कुंजी बन जाता है मेरे लिए 10 पेजेस का। तो फिर मैं दोबारा बुक वो नहीं पढ़ता, फिर वो 10 पेजेस मैं आराम से पढ़ लेता हूँ। तो मैं ऐसे 10 पेजेस का मेरे पास कम से कम 100-150 बुक्स का एक कैप्सूल है। तो मेरे को अगर 150 बुक्स पढ़नी है तो वो 150 कैप्सूल्स मुझे 2-3 दिन के अंदर मैं पढ़ लूँ तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट याद कर सकता हूँ। Probably a good way to create notes, शायद as a student ये करते भी होंगे कि किताब में से आपने जो आपको अच्छा लगा उसको आपने हाईलाइट किया और अलग से पेपर पे लिख लिया, अलग से अपने नोट्स बना लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन की जर्नी में शायद ये विधा, शायद ये टैलेंट और शायद ये तरीके
कुछ ना कुछ खोते जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आज भी किताबों में उलझे हुए हैं वो इस प्रैक्टिस को करते हैं। एंड अ गुड प्रैक्टिस एज टोल्ड बाय अ सक्सेसफुल पर्सन हिमसेल्फ, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखें और अपने नोट्स बना के रहें, ताकि एज अ रेडी रेकनर आपके एग्जाम का आने से पहले आप उसको तुरंत देख के रिवाइज कर सके, जैसे सोनू जी स्वयं भी करते होंगे, वो नोट्स को देख के अपनी तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास कंपाइल है वो सारा का सारा, तो मुझे कोई भी किताब पूरी पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर वो 10 पेजेस में फटाफट। और फिर होता क्या है नोट्स में आने में, जब आप पढ़ा हुआ चीज अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाता है, तो याद जल्दी होता है। मतलब हम स्कूल कॉलेज में भी जितना भी पढ़े हैं, हमको बताया जाता था लिख लिख के याद करो, तो वो जल्दी याद होता था। खाली सुन लेना नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप लिख सकें उसको, नोट्स बना सकें, तो आपकी मेमोरी में ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि अपने हाथ से आपने कुछ लिखा हुआ है। यू आर वेरी सक्सेसफुल। अब सक्सेस को क्या कहा जाए? सक्सेस क्या पैसा पाना है? नहीं नहीं, सक्सेस क्या फैन फॉलोइंग पाना है? नहीं नहीं, कुछ सक्सेस क्या अपनी एक वैकेंसी बना देना है कि हाँ दुनिया जो है कहे कि सोनू शर्मा कहाँ है यार। सबके अपने अपने पैरामीटर है सर। मैं तो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन सबसे अलग है, मतलब मेरी सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं। मेरा सक्सेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। नेम, फेम, इज्जत, बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी रेंटल इनकम, आपके पास कितना शेयर खरीद रखे हैं आपने, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सक्सेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जब आप के बच्चे बड़े हो जाएं, 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे हो जाएं, और आप उन बच्चों से पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वो बाप का नाम ले ले बस। अगर आपके बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाहते, वो आपके अंदर रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहे, तो आप फेल हो गए। आपके अकाउंट में चाहे 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आपको चाहे 50 लाख रुपए का पर मंथ रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन आपके बच्चे आपसे इंस्पायर नहीं है। उनको लगता है यार पापा ने तो ना तो टाइम दिया हमको, ना हमको वो फील कराया कि ये मेरे पापा हैं या ये मेरी मदर है, कोई भी हो सकता है एबीसीडी। तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल तब हैं जब आपका बच्चा बोले कि यार अपने पापा का 1/10 भी बन जाएंगे ना, तो अपने आपको मतलब मैं आज अगर हम मुझसे पूछे तो मैं सोचता हूँ यार अगर मैं अपने फादर का 1/10 बन सका तो मैं अपने आपको मान लूंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया है। अब सचिन तेंदुलकर का बेटा यही सोचता होगा कि मैं अपने फादर का 1/10 बन जाऊं, अमिताभ बच्चन का बेटा भी यही सोचता होगा कि मैं अपने फादर का 1/10 बन जाऊं। अब अमिताभ बच्चन का जो लड़का है अभिषेक, वो किसी और में रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहा अपना। सुनील गावस्कर का लड़का किसी और में रोल मॉडल, क्योंकि उसके पिता ने इतना कुछ अचीव कर लिया कि वो अपने बाप में ही रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन सके, दुनिया के बन भी गए, तो मुझे लगता नहीं कि आपने कुछ किया। आर यू सक्सेसफुल नाउ? ये तो आपको मेरे बच्चों से पूछना पड़ेगा उसका आंसर तो वही दे सकते हैं। ओके, सोनू शर्मा को जब देखा जाता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सोना नजर आता है, अभी भी देखे हैं माशाल्लाह बेहतरीन सूट में बैठे हुए हैं आप। आपके वीडियोस में आपको एक से एक क्लासिक थ्री पीसेस में देखा जाता है, तो सबसे पहला मेरा सवाल थोड़ा सब किराए के होते हैं, वही मेरा सवाल था कि आपके वार्डरोब में कितने सूट्स हैं? मेरे साथ तो कहानी कुछ ऐसी है सर कि मैं घर में अगर सूट लेके चला जाता हूँ ना, तो मेरे घर वाले क्या बोलते हैं कि तुझे गोली मार दी जाएगी अगर तू कपड़े ले गया। तो मुझे तो पता भी नहीं कि अंदाजन कितने सूट्स का कलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से तो 50 से ऊपर होने चाहिए। 2-3 पर छोटे छोटे बसों सवाल है। सोनू शर्मा का असली नाम सोनू शर्मा ही है? नहीं नहीं, भूपेंद्र शर्मा है। भूपेंद्र, आपके आसपास वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपके इस जीवन की शिक्षा में योगदान दिया? मेरे तो सबसे बड़े मेंटर मेरे घर में ही थे, मेरे पिताजी, और मुझे लगता है कि उनसे मैंने इतना सीखा है कि मुझे किसी और की जरूरत ही जिंदगी में नहीं पड़ी। उनके पास हर विषय के ऊपर भंडार था, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना कि एक 1 key फॉर एवरीथिंग, तो उनको बोलते थे यार इसमें कैसे करना है, तो बताते थे कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें कैसे करना है तो इसमें ऐसा। तो मुझे बाहर जाने की खैर जरूरत पड़ी नहीं, तो माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन और बहुत कुछ सिखाया मैंने उनसे, और आज भी उनकी लर्निंग की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, कि जो हमको सिखा गए बहुत शानदार था। जब आप पहली बार आप स्टेज पे गए तो आपके पैर कांपते थे, बहुत घबराया मैं। वो कैसे फिर पाया कि पैर कांपना नहीं कांपे? प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। कहते हैं अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप उसको इतनी बार करें कि वो आपको आने लग जाए। कोई चीज नहीं आती तो आएगी कैसे? करना चाहिए, कर करके इतनी बार कर लें, जो चीज नहीं आ रही वो एक धीरे धीरे आपको
आने लग जाती है, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप स्विमिंग नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको छलांग मारनी पड़ेगी। आप बिस्तर पर स्विमिंग नहीं सीख सकते, किताब पढ़ के आपको स्विमिंग नहीं आ सकती, तो करना क्या पड़ेगा आपको, डाइव करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क भी लगेगा आपको यार, कि डूब तो नहीं जाऊंगा, परेशानी भी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वही एक तरीका है कि आपको फील्ड में ही उतरना पड़ेगा। स्टेज सीखना है तो स्टेज पर जाना पड़ेगा, कुछ सही निकलेगा कुछ गलत निकलेगा, लेकिन बार बार कर करके आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार अब ट्यूनिंग सेट हो रही है। मुझे पता है कि यार ऐसा बोलने से ना अच्छा लगता है लोगों को, या ये नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा ना तो पिछली बार लोग बहुत हंसे थे मेरे ऊपर, तो वो धीरे 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 आप सीख जाते हैं। बहुत कुछ अचीव कर ही लिया है आपने, और सक्सेस के आपके मायने अलग है कि आपका बच्चा आपको कैसे देखता है, पिता को कैसे देखता है, आपकी सक्सेस पता चल जाती है। लेकिन एज ऑन अ प्रोफेशनल नोट, व्हाट इज नेक्स्ट सोनू शर्मा के जीवन में, अभी और कुछ बाकी है अचीव करना? अगर है अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मुझे लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं चाहे जिंदगी में, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, मेरे भी हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं, मेरे भी हैं। अब कुछ गोल ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, वो मेरे थोड़े से सीक्रेट गोल्स हैं, क्योंकि वो मैं बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लोग फिर कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं। नहीं, कॉपी कर ले तो अच्छी बात है, अगर मेरा कोई वाला गोल कोई कॉपी कर ले तो मुझे उससे ज्यादा खुश कोई आदमी होगा नहीं। मेरा फाइनली गोल ये है कि मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, कि ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सॉरी सोशल मीडिया और ये पैसा कमाना, मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, मेरा गोल एक्चुअली ये है। लेकिन मैं अगर सब कर सके तो ये बहुत अच्छी बात है, तो मेरा मन है ऐसा, जो ईश्वर के हाथ में होगा, मेरा मन ये है कि 4-5 साल और जो थोड़ा बहुत मैं कर सकूं करूंगा, फिर मैं ये सब छोड़ देना चाहता हूँ। अध्यात्म की राह पकड़ेंगे, वो जहाँ ले जाएगा, लेकिन मैं ये पैसे वैसे के चक्कर से थोड़ा सा मेरे को सूट, मैं एक्चुअली मतलब मेरे आप क्या बोले कि मेरा टेस्ट नहीं है ये सब। द थिंग व्हिच यू आर डूइंग, मतलब ये ठीक है, पैसा चाहिए आपको क्योंकि आपको बच्चों को पालना है, बच्चों की शादी करनी है, उनकी एजुकेशन है, उस पर पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो पैसा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं ग्रीडी नहीं हूँ पैसे को लेकर कि मैं कुछ भी कर लूँ। तो मेरा मन ये है कि 4-5 साल और करके फिर मैं, मेरा एक दूसरा फोकस है मेरी जिंदगी का, मैं वहां उस पर जाना चाहता हूँ, उस ट्रैक पे दौड़ना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सोनू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम श्योर कि एज अ व्यूअर आप इस कॉन्वर्जेशन से, इस बातचीत से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज हैव अ नाइस डे।